चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे। और एक फिर अभी चूंकि इससे पहले हम लोग बच्चों पिछले दो लेक्चर्स में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन वी स्टडीड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आज बच्चों हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस करेंगे और उसके बाद फिर एक जनरल एक nth ऑर्डर रिएक्शंस भी करने वाले हैं। तो उस nth ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होगा कि फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सेकेंड ऑर्डर और हायर देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों क्या होता है कि ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है एकदम अलग है, फिर फर्स्ट ऑर्डर भी एकदम डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब के लिए एक जैसे एक किस्म के फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर करते हैं और फिर उसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे, मीन्स इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल हायर ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बच्चों चलो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की, एक ही बात है प्यारे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज टू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज टू। ओके, तो यहां पर जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। फाइन, अब चलो इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की स्टार्टिंग की जाए। तो एक कोई ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया मैंने, मान लेते हैं इसे, लेट्स से देयर इज सम ए व्हिच इज रिएक्टेंट, और ये ए क्या करता है, ये ए क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ये जो ए है, दिस ए फॉर्म्स सम प्रोडक्ट। ओके, अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को आप देखें, और चूंकि इसका ऑर्डर टू है तो इसका रेट लॉ अगर लिखा जाए, सो व्हाट वुड बी द रेट लॉ। तो रेट लॉ इसका ऐसे लिखा जाएगा दैट रेट दिस इज इक्वल टू के व्हिच इज रेट कांस्टेंट एंड एक्टिव मास ऑफ ए और उसका पावर टू, या कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर टू, जो भी आप कहना चाहें। एक्टिव मास की कंसंट्रेशन भी हो सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, तो जैसा आपका मन हो वो कह सकते हैं। एक्टिव मास कह दिए तो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ये रेट लॉ हो गया, ठीक है भाई, इसका ऑर्डर हो गया टू। अब बच्चों क्या है कि यहां पर एक और बात हो सकती है, कैसे, तो ये जो पहला केमिकल रिएक्शन है, लेट से दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट, वाइट इज केस फर्स्ट, क्योंकि एक और तरीके का रेट लॉ हो सकता है अगर रिएक्शन बदल जाए तो, कैसे। सो नाउ लेट्स से सम अदर फॉर्मेट ऑफ द रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शन से स्टार्टिंग करी जाए जहां बच्चों एक की जगह दो अलग अलग किस्म के रिएक्टेंट हों, तो मान लेते हैं देयर इज वन रिएक्टेंट विच इज ए एंड अनदर विच इज बी। तो अब बच्चों अगर यहां पर ये दो रिएक्टेंट हो गए ए और बी, and these two are forming products, and these two are forming product, तब फिर रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, तो अब मान लीजिए अगर ये सेकेंड ऑर्डर है और इसके सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ कुछ यूं है, मीन्स ए के रिस्पेक्ट में भी बच्चों ऑर्डर वन है और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन है, तो फिर ये वाला रेट लॉ हो जाएगा, तो फिर ये वाला रेट लॉ हो जाएगा। लेकिन रेट लॉ कैसा भी रहे, रेट लॉ कैसा भी रहे, दोनों में एक बात तो स्पष्ट है, कॉमन है कि दोनों ही परिस्थितियों में जो ऑर्डर है इस केमिकल रिएक्शन का, दिस इज टू। अब लेकिन यहां ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें बच्चों एक ही रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर टू है, और जो नीचे वाला रिएक्शन है उसमें उसमें दो रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर टू है। तो अब इन दोनों के लिए ये अपना जो एनालिसिस होगा उसको जरा देखें, क्या कोई फर्क वास्तव में आता है, क्या आगे के जो फॉर्मूले हैं जैसे रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन है
या बाकी हाफ लाइफ या जो कुछ भी है, उसमें क्या वास्तव में कोई फर्क आता है या दोनों के लिए एक जैसा चलेगा? तो जरा समझते हैं बच्चों, जरा समझते हैं कि कैसे क्या करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, बगल में यहां पर ऐड कर लें दैट दिस इज रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ एंड दिस इज ऑल्सो रेट लॉ। चलिए ठीक। अब बच्चों इनकी ये जो आगे की एनालिसिस है, तो यहां पर हम लोग दो हिस्सों में इसको करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, एक काम और ये करते हैं बच्चों कि अपने पेज को मैं क्या करता हूँ, दो कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, हम लोगों को फिर आगे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सो लेट्स डिवाइड द एंटायर पेज इनटू टू हाफ्स। ओके, अब ये जो केस फर्स्ट है, इस केस फर्स्ट की अगर स्टार्टिंग करी जाए तो हम वो पहले रिएक्शन देखते हैं जहां पर प्यारे बच्चों एक ही रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था, और ये जो रिएक्टेंट था, दिस रिएक्टेंट वॉज कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट। फाइन, इनिशियली लेट्स से टी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास ए नॉट है और प्रोडक्ट के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन एट टाइम टी से टी इक्वल टू टी डैश क्या हुआ कि सम ऑफ ए जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया होगा और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं अगर उसका कोफिशियंट भी बच्चों वन है, तो अगर एक्स डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक्स का ही फॉर्मेशन हुआ। चलिए, तो फिर अब अगर यहां पर हम रेट लॉ लिखें जो पीछे कर रहे थे प्यारे बच्चों, तो वो रेट लॉ है अपना के कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका स्क्वायर। नाउ दिस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी डैश इज हाउ मच, दिस इज के एंड ए माइनस एक्स उसका स्क्वायर। यहां टी डैश ना लिख के काम करते हैं, टी ही लिख देते हैं, टाइम जो है वो टी है क्योंकि आगे भी टी का ही यूज करते हैं। तो यहां पर ऐसा लिख लेते हैं कि बच्चों अपना जो टाइम है, दिस टाइम इज टी। ठीक, ओके, तो ये टाइम टी पर ए नॉट माइनस एक्स है प्यारे बच्चों, तो यहां पर ए नॉट माइनस एक्स हो गया। ठीक, तो दिस इज आर इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। तो ये तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ जब हमने एक ही रिएक्टेंट की बात करी। अच्छा चलिए जरा दो रिएक्टेंट को भी देखें, क्या कोई फर्क आता है? क्या दो रिएक्टेंट की केस में सही में कोई फर्क आता है या यही आने वाला है, जरा समझिए। सो लेट्स से दिस इज योर प्रोडक्ट। अब यहां भी भाई टी इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियली व्हाट वाज प्रेजेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से ए नॉट, और बच्चों यहां भी चलो ए नॉट ही लिख लेते हैं, प्रोडक्ट तो कुछ था नहीं। अभी थोड़ी देर में यह भी देखेंगे कि अगर बी नॉट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों का ही मान लीजिए इनिशियल एक्टिव मास सेम है, ए नॉट यहां भी और ए नॉट यहां भी है। फिर टाइम टी पर क्या हुआ, ए नॉट में से कुछ डिकम्पोज हो गया, तो यहां भी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा और यहां भी देख लेंगे। यहां पर अभी अप्रोप्रिएटली एक्स नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशियंट हमें यहां पर लिखना होगा, तो मैंने एक्स जो लिखा है वो ठीक नहीं लिखा, तो एक्स को हटा देते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं। क्योंकि यहां एक्स बनेगा या टू एक्स बनेगा या थ्री एक्स बनेगा या क्या बनेगा वो तो प्रोडक्ट के कोफिशियंट पर डिपेंडेंट है। एनीवेज, अब बच्चों अगर हम यहां पर रेट लॉ देखें, जब दो रिएक्टेंट्स थे तो रेट लॉ बच्चों कैसे लिखा जाता था, के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, तो ये हो गया के एक्टिव मास ऑफ ए क्या है बच्चों, तो एक्टिव मास है आपका ए नॉट माइनस एक्स ए का। अच्छा बी का क्या है, अरे बी का भी तो सर यही है, बी का भी तो ए नॉट माइनस एक्स है। अच्छा ठीक है, तो फाइनली रेट की वैल्यू और क्या हुई भाई, तो रेट हो गया सर के ए नॉट माइनस एक्स और उसका स्क्वायर। अरे ये तो क्या बात है, ये तो सर दोनों में एक जैसा हो गया, ये तो सर दोनों में ही एक जैसा आ गया। हम लोग तो दो अलग अलग रिएक्टेंट से स्टार्ट किए, फिर भी कैसा हुआ सर दोनों में एक जैसा आ गया।
और एक जैसा तो आना ही है। क्यों? एक जैसा इसलिए आना है क्योंकि यू स्टार्टेड विद द सेम इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर बोथ द रिएक्टेंट्स, दैट्स व्हाई यू गॉट द सेम रिजल्ट, दैट्स व्हाई यू गॉट द सेम रिजल्ट। तो बच्चों ये जो है इसे हम केस फर्स्ट इसलिए बोले क्योंकि यहां पर दोनों में ही एक जैसा परिणाम आता है और वो रिजल्ट आ जाता है कि ए नॉट माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। अब जो केस सेकंड होगा तो इसमें तो कोई चेंजेस होने नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें तो चूंकि एक ही रिएक्टेंट है और इसमें भले ही दो रिएक्टेंट है लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन एक होने से रिजल्ट तो वैसे ही आ गया जैसा यहां पर एक रिएक्टेंट होता तब आता। अब फर्क कब पड़ेगा? अब गड़बड़ तब होगी जब ए और बी के इनिशियल कंसंट्रेशन कोई अलग अलग कर दे, से इसका ए नॉट कर दे और इसका बी नॉट कर दे, देन वी विल हैव डिफरेंट रेट लॉ, डिफरेंट रिलेशंस। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरी पर अब क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं सेकंड केस की। लेट्स मूव टू केस टू। देखिए केस टू क्या है। अब हम यहां पर फिर से दो रिएक्टेंट्स देख रहे हैं, फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी, और ये जो दो रिएक्टेंट है ये दोनों रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब मामला थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इनिशियली ए का जो एक्टिव मास है वो है से ए नॉट और बी का एक्टिव मास है बी नॉट और प्रोडक्ट के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। फिर टाइम टी पर ए नॉट से डिकम्पोज हुआ एक्स तो बी नॉट से भी डिकम्पोज होगा एक्स और प्रोडक्ट कितना बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशियंट। अब बच्चों यहां पर जो रेट लॉ लिखते हैं हम लोग, तो दैट रेट लॉ इज व्हाट, दैट इज के एक्टिव मास ऑफ ए एट एनी टाइम टी एंड एक्टिव मास ऑफ बी एट एनी टाइम टी एट द सेम टाइम। तो फिर ये जो आर है वो होने वाला है के ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स, ये होने वाला है के ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स। अब बच्चों ये जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट पिछले रिजल्ट से एकदम डिफरेंट है। पिछला रिजल्ट क्या लिख रहे थे? पिछला रिजल्ट हम लोग लिख रहे थे बच्चों आर इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर, और यहां पर होल स्क्वायर की जगह जो दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन आ गया दैट इज बी नॉट माइनस एक्स। तो ये भले ही रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हों लेकिन अगर दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो भी रेट लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। फाइनल जो एनालिसिस होगी उससे सेम आंसर आएंगे। फर्क केवल कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब क्या हो कि आपने दोनों रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन ही चेंज कर दिए हों, तब फर्क पड़ेगा। तो फाइनली हमें ये जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है ये दो तरह से पढ़नी है। एक बार जब r इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जो कि केस फर्स्ट था, और एक बार जब ये k ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स हो। तो अब हम इन दोनों ही रेट लॉ को आगे थोड़ा और एनालाइज करके वी विल बी हैविंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स विच वी वुड बी रिमेम्बरिंग। तो चलो देखो। ओके so let's start now again with the first case, with the first case। तो जो पहला केस है उसमें क्या होता था, उसमें ये जो r हम लोग लिखते थे that was k a naught minus x और उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये जो r है ये r क्या है, ये r है अपना dx by dt, ये तो होता ही है, और k a naught minus x and whole square। अब बस कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी सॉल्व टू गेट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। सो कैसे सॉल्व होगा? तो ये हमने क्या किया, डीएक्स किया और डीएक्स के नीचे एक्स वाले टर्म्स रिप्लेस कर दिए। सो दिस इज ए नॉट माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर एंड दिस इज योर के डी टी, दिस इज योर के डी टी। अब क्या करिए भाई, अब जब ऐसा हो गया तो फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो से एक्स में इंटीग्रेट करिए और यहां पर जीरो से टी में इंटीग्रेट करिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू है चूंकि ये, तो माइनस वन ऊपर आ जाएगा और माइनस वन ही नीचे आ जाएगा, बट एक यहां पर ए नॉट माइनस एक्स है तो एक माइनस और आ जाएगा, फाइन. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. अब इस इंटीग्रेशन में वी नीड टू यूज दीज टू लिमिट्स जीरो एंड एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू के टी, दिस इज इक्वल टू के टी. तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो एक बार अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे. सो यू आर गोइंग टू हैव दिस 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी, दिस इज इक्वल टू के टी. और यू कैन से, और यू कैन से दैट टी इज इक्वल टू 1 बाई के, t is equal to 1 by k, then 1 by a naught minus x minus 1 by a naught. तो बच्चों ये हुआ तुम्हारा फाइनल रिजल्ट. कब की बात है ये? ये रिजल्ट तब की बात है जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो, नंबर एक. नंबर दो, उस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में या तो क्या हो कि एक ही रिएक्टेंट हो, और अगर दो रिएक्टेंट्स भी हैं तो उन दोनों का ही इनिशियल कंसंट्रेशन कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए. मींस जो रेट लॉ है वो रेट लॉ इस तरह से लिखा जाना चाहिए दैट आर इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स एंड इट्स परफेक्ट स्क्वायर, इट्स होल स्क्वायर. सो नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट विच शोज द रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स, टी एंड एक्स, 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए नॉट. अब भाई अगर ये रिजल्ट आ गया तो फिर इसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें इसमें हम कर सकते हैं, जैसे फुल लाइफ पीरियड क्या होगा यहां पर, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, वो सब भी देख लेते हैं जल्दी फटाफट. अब बात करते हैं बच्चों फुल लाइफ पीरियड की. फुल लाइफ पीरियड, और यू कैन से टी फुल. तो देखें भाई फुल लाइफ पीरियड क्या होने वाला है. तो फुल लाइफ पीरियड में हमने सीखा था कि फुल लाइफ पीरियड का मतलब हुआ कि भाई जो रिएक्टेंट है वो घट के क्या हो, जीरो हो जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए. मींस अगर हम टी की वैल्यू टी फुल लिखते हैं, इफ टी इज टी फुल, इट मींस दैट दिस ए टी जिसको हमने ए नॉट माइनस एक्स लिखा है वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए या पूरी तरह से कंज्यूम होना चाहिए. तो हमारा रिजल्ट क्या था बच्चों, हम लोग लिख रहे थे कि दैट टी इज 1 बाई के, फिर उसके बाद क्या था, 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए नॉट. अच्छा ठीक है, तो इस ए नॉट माइनस एक्स को क्या कर देना है, अपने को जीरो कर देना है. तो जब आप इसको जीरो लिखेंगे तो दिस इज 1 बाई के एंड दिस इज 1 बाई जीरो, नॉट जीरो एग्जैक्टली, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा बाकी है. जीरो प्लस का मतलब ये होता है, जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से हैं वो जानते होंगे, जीरो प्लस होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, यानी कि आर एच एल, दिस इज अ राइट हैंड लिमिट ऑफ जीरो. तो एक्स, तो ये जो है वो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो आप कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो अगर हो जाएगा तब तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना. तो जीरो प्लस अगर लिखा है आपने तो 1 बाई जीरो प्लस हो जाता है बच्चों प्लस इन्फिनिटी. तो ये जो t फुल लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे फिर गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे t की जगह t फुल है प्यारे बच्चों. सो दिस इज योर t फुल, डन. तो ये जो t फुल हुआ उसका देखिए फाइनल क्या रिजल्ट आता है. दिस t फुल इज हाउ मच, दिस इज 1 बाई के और इन्फिनिटी में से 1 बाई ए नॉट सबट्रैक्ट कर दीजिए. अब इन्फिनिटी में कुछ फाइनाइट निकल भी जाएगा तो भी बच्चों इन्फिनिटी ही रहेगा, हा? तो इसका मतलब ये तो इन्फिनिटी ही रह गया. यानी फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट यही आया कि ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो फुल लाइफ पीरियड है, दिस फुल लाइफ पीरियड इज ऑल्सो इन्फिनिटी, दिस फुल लाइफ पीरियड इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सिमिलरली एज वी डिड विद द जीरो, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो मैंने शुरुआत में जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ाई थी तो एक बात जरूर बताई थी कि केवल जीरो ऑर्डर ही रिएक्शन ऐसी है
जिसका फुल लाइफ बच्चों फाइनाइट होता है, आगे हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उन सब का जो फुल लाइफ होगा वो सब का जो है इन्फिनिटी कह लें या अनडिफाइंड कह लें, जैसी आपकी इच्छा। किसी का एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है फुल लाइफ पीरियड की। केवल जीरो ऑर्डर ही एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसका फुल लाइफ पीरियड फाइनाइट होता है, विच इज ए नॉट बाई के, और बाकी सबका तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, जो जैसा भी आपको लगे। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी रिएक्शन अदर देन जीरो डिग्री सॉरी अदर देन जीरो ऑर्डर, ऑल हायर ऑर्डर रिएक्शंस विल कंटिन्यू फॉर एवर। और उसका लॉजिक भी है बच्चों, उसका लॉजिक भी है। कैसे भाई? अभी आपने लिखा कि यहां पर क्या लिख रहे थे, यहां पर लिख रहे थे कि भाई जो आर है वो के और कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, यही तो सीखे। अब बच्चों जैसे जैसे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो रिड्यूस होते चला जाएगा, वैसे वैसे आपका आर भी तो रिड्यूस होते चला जाएगा। जैसे ये घट के बहुत कम रह गया, ना के बराबर रह गया, तो आर भी ना के बराबर, तो फिर रिएक्शन बहुत धीमे 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 आगे बढ़ेगी। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कम कर देंगे तो फिर ये भी बहुत कम हो जाएगा, तो रिएक्शन आगे बढ़नी बंद हो जाएगी, रो रो के होगी फिर आगे। तो इसीलिए ये फुल लाइफ हो गया। और जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने सीखा था कि फुल लाइफ के लिए हम लोग मान लेते हैं 10t½ हो गया, इतना टाइम दे दिए, बस रिएक्शन को दी एंड करिए, क्योंकि उतने में 99.9% ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। सो दैट इज द वैल्यू फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, बट थ्योरेटिकली इट्स इन्फिनिटी। ओके, अब बात करते हैं बच्चों टी हाफ की। देखो टी हाफ क्या आने वाला है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ की। फुल लाइफ तो पता चल गया इन्फिनिटी है, हाफ लाइफ भी जरा देख लेते हैं इसमें क्या आता है। ओके, तो ये जो हाफ लाइफ है, तो अगर हम टी को फिर से वही सेम कार्यक्रम है कि टी को अगर टी हाफ कोई लिखे तो इसका मतलब होगा कि उसका जो ए टी है उसको हो जाना चाहिए ए नॉट बाई टू, यानी आधा कंज्यूम होना चाहिए, आधा बचना चाहिए। अब ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई टू, what does this mean? It means that a naught minus s is equal to a naught by 2. This is the remaining concentration after t half. So how much this should be? This should be exactly half of the initial value, which is a naught by 2. तो फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे? तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा कि जो t है तो t की जगह t half कर दिए, 1 by k लिख दिए। अब यहां पर लिखते थे 1 by a naught minus s या a t जो भी कह ले, तो अब वो हो जाना है 1 बाई ए नॉट बाई टू और माइनस वन बाई ए नॉट। सो दिस इज योर टी हाफ। अब अगर इसको सॉल्व करिए तो ये 2 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट है, सो दिस इज 1 बाई के एंड 1 बाई ए नॉट। तो यहां से फिर टी हाफ की वैल्यू क्या रही? सो दिस टी हाफ इज इक्वल टू 1 by k a naught. This t half is equal to 1 by k a naught. चलिए तो t half की वैल्यू मिल गई, बड़ा काम निपट गया एक। t half की वैल्यू पा गए, अच्छी बात हो गई, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड हो गया 1 by k a naught। तो इसके हाफ लाइफ पीरियड में भी बच्चों इस ए नॉट का रोल है। जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ में भी ए नॉट का रोल था, ए नॉट बाई टू के, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट का रोल नहीं था बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या आता था? 0.693 by k। तो ये हो गया इसका टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चाहे तो कुछ ग्राफ भी देखे जा सकते हैं बच्चों। ये जो केस फर्स्ट है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसान है। वो जो दूसरी वाली स्थिति है जिसमें ए नॉट और बी नॉट दो अलग अलग कंसंट्रेशंस का यूज होता है, वो थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी आने को तो कुछ भी आ सकता है। बट केस फर्स्ट चूंकि ईजी है और ईजी चीजें ही ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, सो इसके ग्राफ भी देख लीजिए।
इसके ग्राफ की बात चले अगर, तो पहला ग्राफ देखते हैं। तो पहले ग्राफ में क्या करने वाले हैं हम लोग, जो पहला ग्राफ होगा उस पहले ग्राफ को बनाते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए। सो दिस वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द रेट, और बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन को। सो दिस इज योर आर एंड दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ ए। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या सीखे अभी? तो रिजल्ट सीखे कि सर ये जो आर है दिस इज के एंड ए स्क्वायर, ये होता है सर। तो फिर से आपको अगर थोड़ा बहुत मैथ, आप बहुत अच्छा मैथ जानते हैं, तो आप ये जरूर समझते होंगे कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन आ जाए, कैसा बच्चों, अगर इस तरह का कोई रिलेशन आ जाए दैट वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, अगर कोई इस तरह के रिजल्ट आ जाए दैट वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है हैविंग इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन। इट इज ऑलवेज एन ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो वही ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला आ गया। अब पीछे बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन तो नेगेटिव होते नहीं है। वैसे पैराबोला का अगर कंप्लीट फिगर देखें तो दिस कंप्लीट फिगर लुक्स लाइक दिस। और आपने चूंकि ये वैसे मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, बट जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी फिजिक्स में जरूर पढ़ रखा होगा, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जब आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो आपको याद होगा एक पैराबोला का एक आपको जनरल इक्वेशन लिखवाया जाता था, वही पैराबोला ही। सो दिस इज वाई इक्वल टू सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इन टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये तो रहा रेट वर्सेस ए का ग्राफ। तो देखो जब ए बहुत ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा है। अब देखो ए कैसे कैसे अगर कम होता रहेगा तो आपका रेट भी घटते 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 जीरो आ जाएगा, फिर रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो चलिए ये तो बात निपटी। अब ऐसे ही कितने भी ग्राफ, आप जितने भी फॉर्मूले हैं सबको यूज करके कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकता है। जैसे चलिए एक और कर लेते हैं, एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, से टी नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल्स में, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ इट्स ग्राफ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गई अपनी एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो दिस इज योर आर एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ओके। ये तो ओरिजिन है, नहीं नहीं आर और ए का क्यों, ये तो हो ही चुका है ना, सॉरी बच्चों आर और ए का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो तो बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये जो बना हुआ है। अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों टी हाफ वर्सेस ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कोई ग्राफ ठीक से वही ड्रॉ कर सकता है जब उसको दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में सही रिजल्ट या सही रिलेशन की जानकारी हो। तो अपने पास जो जानकारी है दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई ए नॉट के, वन बाई ए नॉट के। तो अब देखिए अब ये वाला ग्राफ कैसा होगा, तो यहां पर टी हाफ वाई एक्सिस की तरह है और वन बाई के कुछ एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है बच्चों, और ए नॉट तो आपका एक्स है। तब ये ग्राफ भी आप लोग पढ़ते होंगे दैट वाई इज इक्वल टू सम पॉजिटिव इनटू वन बाई एक्स, तो दिस इज ऑलवेज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लुक्स लाइक दिस, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एक दूसरा हिस्सा भी बनता है बच्चों, नीचे बनता है, बट दैट पार्ट इज नॉट वैलिड हेयर क्योंकि नेगेटिव ए नॉट तो ही नहीं सकता, कंसंट्रेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जरा गौर करिए कि अगर ए नॉट जीरो है, ये थोड़ा गलत मैंने बना दिया, क्योंकि अगर ए नॉट जीरो हो जाएगा तो मतलब ही नहीं है फिर, तो जब शुरू में कुछ लिए ही नहीं तो रिएक्शन किस बात की। तो गलत नहीं बनाया, सही बनाया, बट यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। ये भी बच्चे आप लोग पढ़ते होंगे कि
जब भी कभी हमें इनइक्वालिटीज ग्राफ में दिखानी होती है तो वी यूज एन एरो। तो यहां पर एक एरो लगाना जरूरी है क्योंकि ए नॉट को जीरो यहां पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं तो फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, फिर किस बात का ग्राफ और क्या है, सब बेकार ही हो जाएगा। तो ये एरो मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया है दैट ए नॉट जीरो के बराबर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। एरो भी बच्चों इनइक्वालिटी के दो तरह के होते हैं। इन सम बुक्स यू फाइंड एरोज लाइक दिस और सम टाइम्स यू फाइंड लाइक दिस। हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो हम लोग जो एरो नॉर्मल एरो होता है वही एरो यूज करेंगे, ये थोड़ा स्टाइलिश एरो है इसको यूज नहीं करेंगे। तो ओके, सो दिस एरो मींस दैट ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये ग्राफ इस ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके एरो के ठीक आगे से एप्लीकेबल है, यहां पर ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है। ओके, तो ये तो बात हुई ग्राफ की। अब ऐसे और भी कोई अगर आपके मन में ग्राफ आए तो यू कैन ड्रॉ इट इजिली, वेरी इजिली, देयर इज ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। तो ये तो बात बच्चों पहले केस की हुई जब हमने आर को लिखा के इंटू ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्ट, सो दैट वॉज द इजिएस्ट पार्ट। अब इसका जो दूसरा है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा जटिल है याद रखने के लिए, बट अगेन एक बार बात समझ में आ जाए तो फिर कुछ जटिल नहीं रहता है। तो देखो दूसरे वाले से भी निपटते हैं, दूसरे वाले से भी निपटा जाए। ओके, सो नाउ लेट्स सी केस सेकंड, केस टू। क्या है केस टू समझो, केस टू में हम लोग लिख रहे थे दैट आर इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स। आर इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स, फाइन। अब बच्चों ये जो आर है, दिस आर इज वॉट, दिस इज डी एक्स बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स। अब इसकी जटिलता बस इस बात में है कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा है। नाउ दिस इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू एलिमिनेट दीज डेरिवेटिव्स तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बच्चों क्या होता है कि अपने आप में एक अलग चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, जो लोग इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सबसे बेसिक किस्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dx के साथ x वाले टर्म लिख दीजिए और dt को अलग कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 से t में हो गया और यहां पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो जनरली 0 से x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है तो इस तरह के इंटीग्रेशन बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके किए जाते हैं। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएगी, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज 0 टू x एंड नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स माइनस 1 बाई बी नॉट माइनस एक्स। बच्चों क्या है कि दीज आर द प्रूफ्स व्हिच आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपको सब बात याद रहती है तो सबसे बेहतर होता है, लेकिन अगर कभी मान लीजिए भूल भाल गए, इतनी सब डिटेल याद ना रहे तो चिंता नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इफ क्वेश्चन अराइजेस इन एग्जाम तो रिजल्ट तो बच्चों पहले याद होना ही चाहिए। आप बीच का याद रखें बहुत अच्छा है, नहीं याद रख पाए भूल गए तो भी ठीक, काम चल जाता है, लेकिन रिजल्ट भूल गए तो फिर काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी बहुत कम समय रहेगा तुम्हारे पास एग्जाम में इन सब चीजों से निपटने के लिए। तो रिजल्ट तो पक्का सबको याद रहना ही चाहिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब आप इस को अगर सॉल्व करें तो a नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स हो जाना है आपका एलसीएम। b नॉट माइनस एक्स में से a नॉट माइनस एक्स घटा देंगे, यहां पे b नॉट माइनस a नॉट लिखना चाहिए सॉरी, तो आपको वापस से यही रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 1 बाई इस तरह के जो लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं उनका इंटीग्रेशन होता है log, और ये लीनियर एक्सप्रेशन बेस ही चूंकि यहां पर माइनस है तो a नॉट माइनस एक्स है तो एक माइनस और आ जाएगा। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये अगले पेज से लिखते हैं चलो। तो बच्चों उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से बी नॉट माइनस ए नॉट, तो ये बाहर तो कांस्टेंट ही है, इसका तो कोई रोल है नहीं, अंदर देखिए क्या आ जाएगा। 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स लिखा हुआ था
तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा माइनस लॉग ए नॉट माइनस एक्स, और इसका जो साथी था दैट वाज 1 बाई बी नॉट माइनस एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन यहां पर बी नॉट माइनस एक्स आएगा, और यहां पर बीच में माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट्स आर 0 to x एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई नॉट, सॉरी दिस इज इक्वल टू kt। ये तो बच्चों kt है। अच्छा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों 1 बाई बी नॉट माइनस ए नॉट ये तो लिखा ही हुआ है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी है तो ये हो जाएगा लॉग ए बाई बी, या लॉग एम माइनस लॉग एन है तो दिस इज लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम बाई एन हो गया, अच्छी बात है। और उसके बाद फिर क्या है, इसके ऊपर दो लिमिट्स अप्लाई कर देनी है 0 to x एंड दिस इज इक्वल टू kt। अब एक बार आपको x की जगह तो x ही रखना है, और एक बार x की जगह बच्चों 0 रखना है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाता है कुछ यूं कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से रिजल्ट आएगा, ये चलो करके आपको दिखा देते हैं। सो ये तो फिट है, जैसा है वैसे ही रहेगा, ये चलो एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो रिजल्ट आने वाला है t इज इक्वल टू बच्चों 1 बाई के, इस t की वैल्यू लिखनी है तो 1 बाई के नीचे हो गया। अच्छा 1 बाई के के बाद ये 1 बाई बी नॉट माइनस ए नॉट तो प्रेजेंट है ही, तो ये भी हो गया। अंदर क्या रहेगा, तो अंदर रहेगा log b0 माइनस x और a0 माइनस x डिवाइडेड बाई b0 बाई a0, चूंकि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो b0 बाई a0 का डिवीजन होगा, मतलब रिजल्ट वुड बी लाइक दिस, a0 आ जाना है ऊपर और b0 रह जाना है नीचे। ओके, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये बच्चों तब की बात है, ये तब का रिजल्ट है जब ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन 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 दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तभी यहां पर दो नॉट नजर आ रहे हैं, फर्स्ट इज ए नॉट एंड सेकेंड इज योर बी नॉट। अब अगर कोई कहे कि सर बात तो ठीक है, इसमें अगर हम ए नॉट और बी नॉट को एक ही रखते हैं, सेम कर दें, तो सर हमारे पास वही रिजल्ट आना चाहिए जो केस फर्स्ट का रिजल्ट आया था। बात तो सुनने में सही लग रही है, बात तो सुनने में सही लग रही है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट के लिए डिफाइंड ही नहीं है, यहां पर आप नहीं कर सकते, ऐसा रख ही नहीं सकते। कारण ये है कि अगर आप ए नॉट को एक बी नॉट रखने वाले हैं तो ये 1/0 यानी कि यही पार्ट अनडिफाइंड हो जाने वाला है। तो ध्यान रखना इस बात का है कि ये जो अभी लिखा हुआ है ये तभी वैलिड है स्ट्रिक्टली व्हेन ए नॉट एंड बी नॉट आर डिफरेंट। अगर ए नॉट बी नॉट सेम रहते और यू कैन से बोथ आर ए नॉट, तब फिर इस तरह से इंटीग्रेशन ही नहीं होता बच्चों, तो फिर तो पिछली वाली बात होती, और पिछली वाली बात होती तो पिछला ही वाला रिजल्ट आता, 1 बाई k 1 इंटू 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट, तो बहुत ही ईजी था। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस रिलेशन में आप ए नॉट बी नॉट को इक्वल नहीं रख सकते, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, तो फिर मतलब इसको अगर रख देंगे तो ये पूरा अनडिफाइंड ही हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं। तो एनीवेज, तो ये तो बात रही टी की। अब यहां पर भी क्या हो सकता है, टी हाफ टी फुल लिखा जा सकता है, लेकिन कोई उतना मतलब नहीं बनता है उसका। रीजन वही है बच्चों कि वो जो सबसे पहला वाला जो केस है जिसमें हमने ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, उसी से जनरली हमें काम पढ़ना है, इसका भी कमी रोल आएगा। बट चलिए चूंकि है तो इसको भी याद एक बार रख लीजिए, इसको याद रखेंगे जरूर, 1 बाई बी नॉट माइनस ए नॉट लॉग ए नॉट बाई बी नॉट बी नॉट माइनस एक्स इंटू ए नॉट बाई माइनस एक्स। तो ये तो बात हुई सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की, दो अलग अलग केसेस में हमने किया। अच्छा अब चलो बच्चों बात करते हैं हम लोग, अब जैसे ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, अब हम लोग थोड़ा सा nth ऑर्डर काइनेटिक्स पर जाते हैं,
तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स फिर वो जनरलाइज हो जाएगा, आगे सबके लिए वो सारे रूल्स वैलिड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट nth ऑर्डर काइनेटिक्स. चलिए बच्चों, तब बात करते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स की. देखो, ये nth ऑर्डर रिएक्शंस भी कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब यहां भी हम क्या करते हैं, एकदम जो एलिमेंट्री nth ऑर्डर काइनेटिक्स है उसी की स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स से सम रिएक्टेंट ए इज गिविंग अस द प्रोडक्ट, सम रिएक्टेंट ए इज गिविंग अस द प्रोडक्ट. अब अगर ए से बन रहा है प्रोडक्ट, तो जो आर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन. यहां पर बच्चों क्या है, जो n है वो है आपका ऑर्डर. तो इस nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, इस nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये हो गया आपका रेट लॉ, ये हो गया आपका रेट लॉ, दिस इज योर रेट लॉ. ठीक, ओके. सो नाउ इफ दिस इज द रेट लॉ, लेट अस सॉल्व इट फर्दर. व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, देखो बच्चों जरा गौर से. तो ये जो R होता है, ये R हम सभी जानते हैं कि R हो जाता है माइनस डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं. तो एक बार चलो मैं रिएक्शन फिर से लिख देता हूं बच्चों. तो A से बना अपना प्रोडक्ट, और शुरुआत में हमारे पास था t इक्वल टू जीरो पर we were having only a naught, there was no product. और थोड़ी देर बाद यानी कि टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर इसका कुछ हिस्सा डिकम्पोज हो गया, कुछ प्रोडक्ट भी बना होगा. तो इस रिएक्शन के लिए जो आर है यानी कि जो डी एक्स बाई डी टी है, दिस इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी. तो वो हो गया बच्चों ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो डी एक्स बाई और ये ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर एन, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए और के डी टी कर दीजिए, जीरो से टी इंटीग्रेट कर दीजिए, और यहां पर जो इंटीग्रेशन है उसको जीरो से एक्स कर देते हैं, इस साइन को हटा देते हैं. यहां जो इंटीग्रेशन है दैट वुड बी जीरो टू एक्स. ठीक, अब अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा, अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा, देखो कैसे. तो बच्चों वो जो इंटीग्रेशन है 1 बाई ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर एन का, वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, दैट इंटीग्रेशन वुड बी ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन था, तो पावर में प्लस वन ऐड हो जाता है और वही सेम चीज नीचे आ जाती है. चूंकि ए नॉट माइनस एक्स है तो उसके हिस्से का एक माइनस भी आ गया, और इसको हमें अपर लोअर लिमिट हो गई एक्स और जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू के टी. ठीक, तो यहां से बच्चों रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ये रिजल्ट आने वाला है कि 1 बाई एन माइनस वन लिखते हैं बाहर, ये माइनस हटा दिए तो एन माइनस वन हो गया, अच्छी बात है. ओके, अब एक बार क्या करना है, एक बार हमें रखना है एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको नीचे भेज देते हैं, मीन्स वन बाई ए नॉट माइनस एक्स, वन बाई ए नॉट माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और माइनस वन बाई केवल ए नॉट टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक्स तो जीरो ही है, एंड दिस इज इक्वल टू के टी. तो इस रिजल्ट को जनरली इस तरह से याद रखना है आपको, दैट T is equal to 1 by k into 1 by n minus 1, okay, into 1 by at to the power n minus 1 minus 1 by a naught to the power n minus 1. आपको ऐसे याद रखना है.
तो ये जो बच्चों रिजल्ट देखे, नाउ दिस इज द रिजल्ट विच इज वैलिड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शंस, और यू कैन से nth ऑर्डर काइनेटिक्स. दिस इज वैलिड फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स. अब अच्छा, ये जो रिजल्ट है, यहां पर n की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं सर, ये भी जरा बता दीजिए. तो यहां n की जो वैल्यू है वो 2 भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी हो सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई. n को अगर आप 2 ले लें तो देखें जरा ध्यान से, ठीक पीछे वाला रिजल्ट आ जा रहा है कि नहीं. कैसे, n को कोई 2 ले ले तो 1/k, 2 - 1 तो 1 ही हो रहा है प्यारे बच्चों. और यहां पर क्या, अगर 2 लेते हैं तो दिस इज 1/80 - 1/A0. तो अभी जो थोड़ी देर पहले सीखे सेम वही रिजल्ट आ जाता है. अच्छा सर, n को 1 ले लें तो चलेगा क्या, n को 1 लेंगे तो चलेगा क्या, जरा देखो n को 1 लेके. तो अगर n को 1 लेते हैं तो नहीं चलेगा बच्चों. क्यों, ये तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, सवाल ही नहीं उठता है, गणती गड़बड़ा जाएगी. तो एक बात ये भी समझना है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है लेकिन 1 के लिए नहीं. अच्छा सर, n को 0 ले लें तो बात बनेगी क्या. अच्छा करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं. तो अगर n को 0 ले लिए, यानी 0 ऑर्डर की बात की है, तो k क्या हो जाएगा भाई, सॉरी t क्या हो जाएगा, 1/k. और n को चूंकि 0 रख रहे हो तो 1/-1. अच्छा यहां पर अगर n को 0 लिखोगे तो ये 80^-1 रहेगा. तो 1/80^-1 को यू कैन राइट डायरेक्टली एज 80, और यहां पर a0. ठीक है, तो देखो जरा क्या रिजल्ट आता है. रिजल्ट आ जाता है ये -1 और इंटू के और टी, तो ये तो हो गया -kt. अच्छा ठीक है भाई, और ये हो गया at - a0, ये हो गया at - a0. अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया सर. ये तो जो 80 आया है वो तो वही आ गया जो हम लोग पढ़ते थे, जो आपने सिखाया था जीरो ऑर्डर में. क्या आ गया 80 सर, 80 आ गया a0 - kt. अरे हाँ, यही तो पढ़े थे. 80 की वैल्यू a0 - kt ही तो सीखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, याद करो जरा लास्ट टू लास्ट लेक्चर. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो जनरल रिजल्ट है, ये जो जनरल nth ऑर्डर की हमने बात करी, ये जनरल रिजल्ट कहाँ कहाँ वैलिड हो जा रहा है. ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में भी वैलिड हो रहा है, और ये n इक्वल टू 0 में भी वैलिड हो रहा है. बस ये बेचारा गड़बड़ कहां हो जा रहा है, ये गड़बड़ हो जा रहा है 1 में. तो ये जो रिजल्ट है ये सारे काइनेटिक्स को कैटर करता है सिवाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के. तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अलावा बाकी सबके लिए सही है. जीरो ऑर्डर लीजिए, सेकेंड ऑर्डर लीजिए, थर्ड ऑर्डर लीजिए, फोर्थ ऑर्डर लीजिए, सबके लिए सही है, सबके लिए बच्चों सही है. तो चलिए एक बात ये निपटी. अब जरा ये जो टी हाफ है वो भी बार बार सब रिएक्शन में आ जाता है, ये टी हाफ भी बार बार सब रिएक्शन में आ जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं जरा. उसका जनरल रिजल्ट कुछ आता है क्या, टी हाफ की भी कोई जनरल वैल्यू आती है क्या, जरा देखें. इसको एकदम ठीक से याद रखिए बच्चों, टी इज इक्वल टू 1/k, 1/n - 1, 1/80^-n - 1, -1/a0^-n - 1. इसको एकदम हृदय में रखिए. आपको हमेशा ये t की वैल्यू तो जब जब भी लिखी जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर में भी हो बच्चों तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी k नीचे ही रहता है, बट उसमें लॉक का टर्म आ जाता है जब इस तरह से यूज करते हैं. यहां पर वो झंझट नहीं है, यहां पर वो झंझट नहीं. चलिए तो आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो मैंने सब बता ही दिया है, फिर भी एक बार वर्ड्स में इसको लिख लें कि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल काइनेटिक्स का मतलब हुआ जो ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकता है बच्चों, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एक्सेप्ट
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या है बच्चों, ये पूरा ही चैप्टर आप ऐसे समझ लीजिए दो हिस्सों में बट गया, एक फर्स्ट ऑर्डर एक नॉन फर्स्ट ऑर्डर। उसमें भी जीरो ऑर्डर थोड़ी और अलग है, जैसे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर में ये एकदम कॉमन है, ये एकदम एक ही कैटेगरी है, यहाँ पर फुल लाइफ पीरियड कैसा हो जाता है, इन्फिनिटी। लेकिन जीरो ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि उसका फुल लाइफ पीरियड फाइनाइट रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं तीन हिस्सों में बढ़ गया, इसलिए तीन हिस्सों में पढ़ाया भी जाता है। जीरो ऑर्डर मैंने आपको अलग से सिखाया, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको अलग से सिखाया, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर अलग से सिखा रहे हैं, है ना। तो तीन हिस्सों में ये काइनेटिक्स बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन की पढ़नी है। अब चलिए ये जो अभी थोड़ी देर पहले देखे, अब इसमें बात करते हैं टी फुल लाइफ की, बात कर लेते हैं nth ऑर्डर के लिए, और nth ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं बच्चों, तो दिस एनालिसिस विल गेट ओवर। सो लेट्स डू फुल लाइफ पीरियड, लेट्स डू फुल लाइफ मतलब टी फुल। हम लोग बात कर रहे हैं अब टी फुल की। देखिए अच्छा, तो अपना जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एक बार हम फिर यहां पर लिखते हैं बच्चों। एक बात और भी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर दो चार बार आप हाथ से लिख लें तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है आपके लिए, है ना। तो कभी भी इसमें संकोच नहीं करना है, अरे सर ने अभी लिखवाया फिर बार बार लिखवा रहे हैं, क्या जरूरत है, हम क्या उल्लू हैं। आप उल्लू नहीं है, लेकिन कहीं आप उल्लू ना हो जाए या कहीं आप उल्लू ना रह जाए, इसलिए बार बार लिखने में समझदारी है। तो ये था बच्चों एटी और पावर में एन माइनस वन, और यहां था ए नॉट और पावर में एन माइनस वन, ठीक। अच्छा अब हमें क्या करना है, टी फुल लाइफ बताना है। तो और ये ध्यान रखना है कि ये जो भी रिजल्ट हमने अभी सीखा है, ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब एन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू टू, या एन की वैल्यू क्या है जीरो। तो यहां पर हम टी फुल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो अभी एन की वैल्यू केवल और केवल ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जीरो ऑर्डर का तो सब निपट ही चुका है, तो सेकेंड या हायर ऑर्डर के लिए बात कर ली जाए। तो अगर टी की वैल्यू भाई, अगर टी टी फुल है तो इसका यही मतलब निकलेगा कि जो ए टी है दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट जीरो, दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा देखिए, अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, तुम्हें हम इससे दोनों समझाते हैं, एन जीरो भी समझा देते हैं और एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू भी समझा देते हैं। देखो दोनों का रिजल्ट सही आना चाहिए। अगर भाई ये फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सबके लिए ट्रू है तो फिर बाकी सारी चीजें भी ट्रू होनी चाहिए, तभी तो ट्रू माना जाएगा। चलो देखो करके देखते हैं। जैसे बच्चों एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए पहले करते हैं, फिर एन इक्वल टू जीरो के लिए भी दिखाते हैं आपको। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए किए तो भाई टी की जगह लिखे टी फुल, अच्छी बात। वन बाई के लिखे, ओके। वन बाई एन माइनस वन लिखे, ये भी ठीक। अब देखो अंदर मेन काम स्टार्ट हो रहा है बच्चों। वन बाई ए टी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, तो जीरो प्लस लिख दिया। अब अगर एन की वैल्यू टू या टू से अधिक है तो इसका जो पावर है वो तो बच्चों एन माइनस वन है, मीन्स पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर प्लस आई, पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइन। और ये जो लिखा है वो लिखा है वन बाई ए नॉट और टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर जीरो का पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो लगभग जीरो ही रहेगा, तो भी लगभग जीरो ही रहेगा। तो वन बाई जीरो ऑलमोस्ट जीरो बिकम्स इंफिनिटी, दिस पार्ट बिकम्स इंफिनिटी। अब जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी में से कोई फाइनाइट निकलता भी रहे तो भी तो इन्फिनिटी रहेगा बच्चों, रहेगा कि नहीं। तो फिर जो टी फुल आने वाला है वो हो जाता है इन्फिनिटी। तो एक बात ये एकदम समझ आनी चाहिए कि ये जो टी फुल है, ये टी फुल इन्फिनिटी कब है,
ये टी फुल इन्फिनिटी तब है जब एन क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। फर्स्ट ऑर्डर की तो बात ही नहीं हो रही, उसका तो परिवार ही अलग है, ये सब बेचारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, इन्हीं की बातचीत चल रही है। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू में टी फुल हो गया इन्फिनिटी। अच्छा जरा एन इक्वल टू जीरो करके देखें, इसमें क्या उसका टी फुल लाइफ ए नॉट बाई के आता है? अगर आ जाएगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। देखो अब बात कर लेते हैं कि ये जो n है, इफ दिस n इज जीरो देन व्हाट विल हैपन। तो बच्चों फिर से जरा रिलेशन लिख लेता हूं मैं, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपकी कॉपी में सामने ही होगा। सो दिस इज 1 बाई के एंड 1 बाई एन माइनस 1, ओके फाइन। उसके बाद बच्चों यहां था 1 बाई ए टी और पावर में एन माइनस 1, और यहां रहता था 1 बाई ए नॉट और पावर में रहता एन माइनस 1, ठीक है। अब अगर ये एन जीरो है और टी को आपको टी फुल लिखना है, तो लिखते हैं जरा क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया 1 बाई के, एन को जीरो कर दिए बच्चों, तो ये हो गया 1 बाई माइनस 1। अच्छा फिर 1 बाई ए टी टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नॉट टू द पावर माइनस 1। गौर करो, अगर टी फुल है तो ये बात तो समझ में आती है कि जो ए टी है वो लगभग जीरो है या जीरो प्लस है। मैं बच्चों जीरो प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग खत्म हो गया। तब देखिए, तब ये जो टी फुल हुआ वो टी फुल क्या हुआ बच्चों? तो ये टी फुल हो गया माइनस 1 बाई के। हाँ सर ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां पर ये जो आपका ए टी है वो जीरो प्लस है, और जीरो प्लस की पावर आप प्लस 1 लिखेंगे। देखो यही फर्क हो जाता है, यही जो पॉइंट है यहीं पर क्या हो जाता है, मामला बदल जाता है, यहीं पर चीजें बदल जाती हैं। यहां पर क्या है कि अगर n की वैल्यू बच्चों 2 या 2 से अधिक होती है तो ये जो पावर है वो पावर आ जाती है पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो नीचे ही रह जाता है। लेकिन ये पावर जैसे ही माइनस 1 आती है वैसे ये जीरो उछल के ऊपर पहुंच जाता है, और जैसे ये ऊपर पहुंचता है वैसे ये जीरो ही रह जाता है। अगर जीरो नीचे रहे, अगर जीरो नीचे रहे तो समथिंग फाइनाइट बाई जीरो, ऑलमोस्ट जीरो इज इनफाइनाइट। लेकिन अब ये जीरो ऊपर आ गया, यहां पर जीरो ऊपर आ गया तो बेचारा जीरो ही रहा। देखो ए नॉट की पावर माइनस 1 था तो ए नॉट ऊपर आ गया, तो ये रिजल्ट क्या हुआ? ये रिजल्ट हुआ माइनस 1 बाई के इंटू जीरो माइनस ए नॉट, बस यही फर्क हो गया। वहां पर जीरो नीचे ही रहता क्योंकि पावर थी पॉजिटिव, यहां पावर हो गई नेगेटिव तो आ गया ऊपर। तो अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो जीरो ही हो जाता है, वहां इन्फिनिटी हो गया था, यही फर्क है। नाउ लेट अस सी वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और नॉट। तो बच्चों ये जो टी फुल है, दिस टी फुल इज प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए नॉट बाई के। अरे वाह सर, ये तो बात एकदम बढ़िया हो गई, ये तो वही बात हो गई जो हम सुनना चाह रहे थे। हाँ भाई, ये तो वही बात हो गई जो आप सुनना चाह रहे थे कि जो टी फुल है वो तो ए नॉट बाई के ही होता है जीरो ऑर्डर में। चलो, तो टी फुल का कंप्लीट एनालिसिस हो गया यूजिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर वेयर n इज एवरीथिंग एक्सेप्ट 1। फर्स्ट ऑर्डर तो एकदम ही सेपरेट हो गया। अब जरा टी हाफ की भी बात कर ली जाए बच्चों, टी हाफ का भी एनालिसिस कर लेते हैं, इस जनरल इक्वेशन को यूज करके देखते हैं क्या होता है। टी हाफ का भी एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको ध्यान ही रखना है कि ये फाइनाइट है। तो दो हिस्सों में टी फुल देख लिए, एक बार एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक बार एन ग्रेटर देन सॉरी एक बार एन जीरो। अब चलिए करते हैं बात टी हाफ लाइफ की। देखो टी हाफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो भाई अगर हाफ लाइफ की बात की जा रही है तो यह बात समझनी होगी कि अगर टी को टी हाफ लिखा जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि अपना जो ये ए टी है
ये 80 हो जाना है ए नॉट बाई टू। फाइन, तो बच्चों फिर से वो जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग nth ऑर्डर की, वो मैं फिर से लिख रहा हूं। सो दैट इज टी इज इक्वल टू 1 बाई के। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, हमको चूंकि सामने दिखेगा इसलिए हमको लिखना जरूरी है, 1 बाई ए टी टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 बाई ए नॉट टू द पावर एन माइनस 1। फाइन, अब इस रिलेशन में हम क्या करें कि टी को रिप्लेस कर दें टी हाफ से। अच्छा, ऊपर तो लिख ही दिए, तो चलिए टी हाफ करके देखें क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पे लिख दिए टी हाफ, यहां पर लिख दिए टी हाफ। तो बच्चों टी हाफ हो जाएगा 1 बाई के, अच्छा ठीक है, और 1 बाई एन माइनस 1, अच्छा ये भी ठीक है। और अब ए टी की जगह लिखा जाएगा ए नॉट बाई टू। तो ये बच्चों 2 टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई ए नॉट टू द पावर एन माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। क्या मैंने सही किया, जरा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक ही है, ये रिजल्ट हो गया। तो इस रिजल्ट को अगर याद रखने की दृष्टि से देखा जाए तो कैसे याद रखना है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे बच्चों, दैट टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के इंटू एक और कांस्टेंट आएगा, दैट इज 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1, और डिवीजन में रहेगा बच्चों एन माइनस 1, ओके, और आखिरी में रहेगा 1 बाई ए नॉट टू द पावर एन माइनस 1। अब जरा ये देखें कि ये जो, या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा छोड़ सकते हैं, कई जगह a नॉट की पावर 1 माइनस एन भी लिखा रहता है, तो वहां से भी काम चलाया जा सकता है। एनीवेज, अब जरा इस रिजल्ट से देखें कि ये जो टी हाफ है ये कहां कहां वैलिड हो पाएगा, ये जो अपना टी हाफ है ये टी हाफ कहां कहां वैलिड हो सकता है जरा देखें। लेकिन उससे पहले तो ध्यान में रखना है कि ये रिजल्ट हमें एकदम याद रहेगा, ये रिजल्ट बच्चों हमें एकदम याद रहे कि टी हाफ की वैल्यू लिखनी है 1 बाई के और 2 टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 एंड 1 बाई ए नॉट माइनस 1। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड रहता है, और साथ ही साथ ये n इक्वल टू 0 के लिए भी वैलिड रहता है। अगर आप बच्चों n को 0 रखिए तो आपको ये रिजल्ट a नॉट बाई 2 के दे देगा, ये रिजल्ट आपको a नॉट बाई 2 के दे देगा। तो ये रहा t हाफ का जनरल फॉर्मूला, ये रहा t हाफ का जनरल फॉर्मूला। अब ये जो t हाफ है इसमें एक बात और बताने की है, देखो क्या बताने की है जरा समझे। तो अगर केवल n इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की ही बात करें, 1 को ना ही लें, तो ये बात तो बड़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये जो अपना t हाफ है, ये जो t हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a नॉट टू द पावर 1 माइनस n के। अच्छा ठीक है, या कोई ऐसे भी लिख सकता है, 1 बाई a नॉट टू द पावर n माइनस 1 भी लिख सकता है, मैंने सीधा कर दिया तो पावर 1 माइनस एन हो गई। अच्छा ओके, अब बच्चों ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है उसमें तो ए नॉट का नाम निशान नहीं, तो अगर यहां भी हम एन को 1 लिख दें तो ए नॉट की पावर 0, तो ए नॉट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भले ही जीरो और केवल ये रिजल्ट भले ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एन को यहां पर 1 लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे एन माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 0। तो ये रिजल्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर 0, इस इन दो के लिए वैलिड है। एक काम ऐसे कर देते हैं, इसको अलग से ना लिख के, थोड़ा लग रहा है बेचारा अलग से पड़ा हुआ है, इसको क्या करते हैं साथ में लिख देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0, इन दो के लिए वैलिड है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगेन वैलिड नहीं है। लेकिन टी हाफ की प्रोपोर्शनैलिटी ए नॉट के साथ 1 माइनस एन होती है,
ये सबके लिए वैलिड है, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे कोई ऑर्डर हो. क्यों? क्योंकि अदर देन फर्स्ट ऑर्डर तो ये वैलिड है ही. ऊपर के रिजल्ट से बात समझ आ गई. क्या ये अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है? हाँ सर, ये तो फर्स्ट के लिए भी वैलिड लग रहा है. क्यों भाई, फर्स्ट के लिए क्यों वैलिड लग रहा है? सर फर्स्ट के लिए सर इसलिए वैलिड लग रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है उसका जो टी हाफ होता है उसमें ए नॉट तो आता ही नहीं है. अच्छा, क्या आता है उसमें? सर उसमें तो केवल 0.6931 बाई के ही आता है. अच्छा ठीक है, तो अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिखें तो क्या ये सही माना जाएगा? हाँ सर, ये तो एकदम सही है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में 1-1 जीरो, ए नॉट की पावर जीरो यानी कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो जीरो के लिए भी सही है, वो बच्चों फर्स्ट के लिए भी सही है, वो टू के लिए भी सही है, थ्री के लिए भी सही है, एन के लिए भी सही है. तो ये बात अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये रिजल्ट टी हाफ का सब के लिए सही है. तो अपने काइनेटिक्स में केवल यही एक ऐसा रिजल्ट हमको दिखा जिसमें टी हाफ की प्रोपोर्शनैलिटी ए नॉट के साथ डिफाइन की गई है, जो हर ऑर्डर के लिए अप्रोप्रिएट है, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर ईच ऑर्डर काइनेटिक्स, वेदर इट इज जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एनथ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो तो ये तो बात हुई एनथ ऑर्डर काइनेटिक्स की और हायर ऑर्डर काइनेटिक्स की. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर. थैंक यू बच्चों.